हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं चने की दाल को भिगो के रखी थी, 2 घंटे पहले भीग गया है। मैं इसको दाल भर के पूड़ी बनाऊंगी। अभी मैं दाल को कुकर में चढ़ा रही हूँ उबालने के लिए। धो लिया है मैंने दाल को अच्छे से, मैंने कुकर में डाल दिया है, गैस जलाया है और कुकर को उसके ऊपर रख दिया है। अब मैंने एक प्याज लिया है और 2 हरी मिर्च लिया है। प्याज को मैं बारीक बारीक चॉपिंग कर लूंगी। ये मैंने बारीक काट लिया है प्याज। अब हरी मिर्च काटूंगी मैं बारीक बारीक। धनिया पत्ता लिया है, उसको भी मैं चॉपिंग कर रही हूँ बारीक। दाल हो गई है मेरी, 1 सीटी लगने में, क्योंकि भिगो रखा था तो वो जल्दी हो गई दाल। ये देखिए दाल हो गई है। अब मैं दाल को छान लूँगी और सिलबट्टे पे मैं इसको पीस रही हूँ। सिलबट्टे पे ही, मैं हमारे यहाँ दाल सिलबट्टे पे ही पीसते हैं। ये देखिए दाल पिस गई है सारी। अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालूंगी और 1 आधी चम्मच धनिया पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर है ये। लाल मिर्च 1 चम्मच, देगी मिर्च है ये, नमक स्वाद अनुसार, और ये जीरा पिसा हुआ है भुना हुआ, वो मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा। और ये जो मैंने चॉपिंग किया था ये सारा इसमें मैं मिक्स कर दूंगी, प्याज, हरी मिर्च और धनिया। ये देखिए मैं सब रख रही हूँ इसमें, सारे मिर्ची, धनिया पत्ता, प्याज मैंने इसमें मिक्स कर दिया है।
इसको मैंने ढक के आधे घंटे के लिए साइड में रख दिया है। मैं आटे का डो लगाने का मैं इंतजार करूंगी। मैंने आटा निकाल लिया है। इसमें मैं नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। नमक मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैं आटे में हमेशा नमक डालती हूँ। ये थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी मैं। मैं आटा का डो लगा के रख दूंगी। अब ये देखिए इधर वो मेरा डो लग गया है। अब मैं इधर इसको चटनी का पूरा इंतजाम कर रही हूँ। चटनी मैंने सारी बना रही हूँ। उसमें मैंने पहले से ही प्याज, अदरक, लहसुन, आधा टमाटर काट के डाल दिया था और धनिया पत्ता मैं पहले से ही फिनिशिंग करके रख देती हूँ। ये देखिए चटनी बन गई है मेरी। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पहले मेरे को एक रोटी बना के दे दो क्योंकि ये पूड़ी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए एक रोटी बना दूंगी दाल भर के। ये देखिए इनके लिए रोटी बन रही है। मैंने थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा दिया तो ये गुस्सा हो रहे हैं कि ऑयल क्यों लगाया है। नहीं देखिए सीख रही है।
ये देखिए सीख गया पराठा। ये देखिए चटनी और प्रसाद लेके जा रही हूँ मैं रोटी उनको देने के लिए। अब मैंने इधर पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं इधर हल्के हल्के हाथ से कचौड़ी टाइप बना रही हूँ भर के। पहले मैं बेल के रख लूँ फिर एक बार सेकूंगी। ये देखिए गाइस अब मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ। करारी करारी हो जाएगी अच्छी सी एकदम ब्राउन ब्राउन करके इनको उतार लूंगी मैं। ये देखिए गाइस ब्राउन हो गई है। अच्छी करारी 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 सिक रही है ये। देखिए गाइस